वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज वैभव सिद्धार्थ। इस वीडियो में मैं एक स्टूडेंट है बम्सी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एमसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं और क्या क्या एमसी में हो रहा है। तो यहाँ पे एमसी में जो भी करप्शन होता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक बम्सी ने सारे कॉलेजेस में जाके अपने एक्सपीरियंस को होता है कि देखा है और वहाँ पे शेयर करा अपने एक्सपीरियंस को, किस किस कॉलेज में उनके साथ क्या क्या हुआ। यहाँ पे सिर्फ होता है पैसों का खेल चलता है। और मैं एक्चुअली में ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी रफ आइडिया हो जाए कौन कौन सा कॉलेज अच्छा है। ये इसने एक्सपीरियंस को अभी थोड़ा शेयर कर रखा है और मुझे पता है इसके साथ क्या क्या हुआ है। तो आई थिंक वो आपके साथ नहीं हो, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद है। और इस वीडियो को मैं ये भी नाम दे सकता हूँ, डार्क साइड ऑफ एमसी इन बैंगलोर। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इस वीडियो में अभी हमने क्या क्या एक्सपीरियंस जो करा। थैंक यू सो मच एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। ये हैं वामशी। और ये एक्चुअली में मेरे से कल बात किया था कि आई वांट टू टेक एन एडमिशन इन मास्टर्स। तो अभी तक मेरी जितनी भी मीटिंग्स थी सब होता है बीटेक वालों के साथ, मैंने बता दिया। 3 दिन पहले मैं यहाँ बेंगलुरु आया था, एक्चुअली लास्ट वीक भी आया था। एम सी ए करना है मुझे, मैनेजमेंट कोटा में सीट सेलेक्ट करना था। आर वी सी के लिए मैंने अप्लाई किया था, मेरा सीट वेट लिस्ट में है, मेरा अराउंड 84-85 नंबर वेट लिस्ट। हाँ, इसी में ना इतना प्रोसीजर है ना, एक बार तुम्हारा लेटर आ गया है ना डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तुम्हारे पास 6-7 मंथ्स का टाइम है। यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टिल जनवरी। सो जनवरी, हाँ या उसके बाद होता है क्लास स्टार्ट। और ये है कि जितने भी जो बहुत पी जी सी टी वाली कॉलेजेस हैं और केमेट वाली कॉलेजेस हैं, सब जनवरी के बाद ही स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च। अगर मान लो कि इसमें इस साल के लिए एडमिशन लिया, इसका बैच जनवरी और जो फरवरी में स्टार्ट होगा, तो सोच रहा हूँ कितना दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट ऐसा बोला उन्होंने। अरे मेरा ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का लेट हो जाएगा ना। डिस्गस्टिंग। एंड लेट मी टेल यू अबाउट बीएमएससी। बीएमएससी में उनका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, यू कैन लॉग इन नाउ सी दैट फॉर बी ई कोर्सेज दे हैव ओपन द मैनेजमेंट कोटा। फॉर मास्टर्स लाइक एमटेक और एमसीए दे हैव अपडेटेड नथिंग नील। बट व्हेन आई गॉट देयर ना, बिलीव मी, ईच एंड एवरी सीट वेंट अवे। दे आर सो इनरिस्पॉन्सिबल, नॉट इवन अ सिंगल नोटिफिकेशन ऑल्सो दे ऑन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल द सीट्स वेर अवे। When I spoke yesterday, there was a big function over there. वो सब उनके alumni को बुला के कुछ तो मीटिंग कर रहे थे, तो मैं काउंसिलिंग राउंड के लिए रुका था इंक्वायरी के लिए। तभी मैंने पूछा एम सी ए के लिए सीट्स, तो बोलते हैं लास्ट वीक ही ख़त्म हो गए। और मैं पूछा ना, when I asked him why there is no online notification something else, I would have come, क्योंकि मेरा बी एम एस सी में करने का प्लान था, क्योंकि आगे तो कैंसिल हो गया था। आर्मी वेट लिस्ट हो गया तो आगे में मिलना मुश्किल ही है। आर्मी तो मुश्किल है, 99% वो मुँह पे बोला मुझे कि 99% चांसेस है कि तेरे रिजेक्शन के चांसेस है। 1% सब चांसेस है, अगर तू सी एम या पी एम को पहचानते हैं तो तब देख लेंगे। दिस इज नॉट वर्थ इट यार। देखो आरबी, और मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बोला आरबी, एमएस रमई और बीएमएस, ये सब ऐसे कॉलेजेज हैं ना जो अनऑफिशियली होता है, यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जितने भी मन है उतने पैसे खाते हैं। तो सो मुझे वर्थ इट नहीं लगता, और इसीलिए मुझे बीएस इतना वर्थ इट लगता है क्योंकि यहाँ पे जो भी बहुत सॉफ्टली हो जाता है एडमिशन, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा ले लेंगे सीएम और पीएम की पहचान। या आई हैव बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 4-5 डेज, लास्ट 5 डेज एंड बिफोर दैट लास्ट वीक आल्सो केम। If you want to do in BMS, right now I have the offer. I have to pay 15 lakh rupees. And after that I'll get an MCA seat. That's MCA seat. Bro, it's a disgusting, according to me. As if you pay 15 lakhs, अभी मैं आपको एक जो होता है मैसेज दिखाऊंगा, शी इज़ माई फ्रेंड, उसने होता है एम सी ए वहाँ से करा हुआ था और उसका अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है, और वो मेरे से रेफरेंस मांग रही है कि ब्रो प्लीज़ गिव मी एनी रेफरेंस। तो यू नो ना कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स कुछ नहीं है और वहाँ के स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है रिसेशन के चलते। एंड शी विल आस्क टू मी कि यू आर इन बेस्ट एंड यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ गिव मी सम रेफरेंस एंड आई एम स्टूडेंट हियर। और वहाँ पे 15-15 लाख मांग रहे हैं यार, मतलब ये कितना डिस्गस्टिंग है। उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने पूछा उनसे, स्टैटिस्टिक्स 2022 का दे रहे हैं मुझे, वो 2022 का 70% स्टैटिस्टिक्स है, 70% प्लेस है, 30% नॉन प्लेस है। आई आस्क्ड हिम व्हाट अबाउट द रेस्ट 30%, व्हाट आर दे डूइंग, 10% आर डूइंग एमटेक, 20% आर हैंडलिंग द फैमिली बिजनेस, ही सेड लाइक दैट। एंड सो व्हाट डू यू केयर, आई आस्क्ड हिम,
did you not try for the rest 30%? He said they did not try. It's not our responsibility. It's the student's responsibility to come into college every day and check for the placements. That's what I agree. But तुम्हें पूछना चाहिए ना यार कि तुम्हारा placement नहीं हुआ अभी तुम और कुछ courses कर सकते हो क्या? M.Tech के सिवाय अभी लगता है 2 साल ऐसे क्या है और M.Tech जरूरत करने की ज़रूरत क्या है मेरे हिसाब से? हाँ, इट्स नॉट वर्थ इट. इट्स नॉट वर्थ इट ब्रो. लाइक अभी 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 जो पेस की मैं बात बताता हूँ तो CS ब्रांच के मैनेजमेंट कोटा के लिए फीस यहाँ पे 50 लाख है जो मुझे वर्थ इट लगता है क्योंकि आप CS के लिए दे रहे हो ना. BMS IT में इससे 15 लाख मांगा गया. अगर RB में जाते हैं वो भी हम सी के लिए, वो चिंदी से कोर्स के लिए वो वर्थ इट है. और RB में कितना? RB में ऑलमोस्ट सेम है और RB का फुल्ली ऑनलाइन है. RB में कुछ ऐसा नहीं चलेगा. RB में स्टार्टिंग तुम्हें 1 लाख रुपीज़ फीस डोनेशन देना पड़ेगा. एवरी ईयर 3 लाख रुपीज़ फीस. एंड BMS में और एक मिसलेनियस चार्जेस बोल के रहते हैं हर साल, वो तुझे 35,000 फिर से एवरी ईयर भरना पड़ेगा. वो ये 15 लाख छोड़ के तो कौन सा भी ले ले. 36 और 38, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट 35, 36 और 38. वी हैव टू पे मिसलेनियस फी एवरी ईयर. And ये that's है, not worth it. That's not worth it. And हाँ, and ये है reality. Bangalore में admissions के MCA के. तो management को था ना, I would say don't try it. Don't try. Don't try it. You are not. They are. The course is not worth it. जानते हैं इससे आर्मी में क्या बोला गया? अगर तुम 15 लाख पे भी करो ठीक है, अगर तुम्हारे पहचान है बाहर मतलब CMPM से. If you have higher major, higher persons in your portfolio ना, then you can try for it. भाई भी सी ए से बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाता हूँ क्योंकि आजकल ये क्या हो रहा है यार. मतलब एजुकेशन इज़ लाइक बिजनेस, पैसा पे फॉर मतलब, और वो भी इतना सारा पैसा हमसे सो वर्थ इट है क्या? तो अभी एंड सो व्हाट अबाउट एमएसआर आईटी? एमएसआर आईटी आई वेंट देयर. एमएसआर आईटी इज़ लाइक लास्ट वीक आई केम फर्स्ट लास्ट वीक आई वॉज देयर ना. फर्स्ट आई वेंट टू RVCE. देर वॉज देर माई एप्लीकेशन वॉज ऑन वेटिंग लिस्ट, सो आई वेंट टू एमएसआर आईटी. इन एमएसआर आईटी लास्ट वीक दे सेड दैट करंटली वी हैव 120 सीट्स, द ऑल द सीट्स आर बुक. वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज अवर कैपेसिटी ऑफ एमसीए कोर्स. वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज बाय 60 सीट्स. दे सेड मी टू कम ऑन वेडनेसडे दिस वीक एंड they will arrange something. When I went there I called them from Monday. Every day I would call them. They would say no seats are available, no seats are available. When I came here on Wednesday, they said that they have increased the capacity also and all the seats are also closed. And if you don't believe me you can go now and ask them. MS Ramaya, what did they do now? If you are a teacher in MS Ramaya, you will take 5 to 10 recommendations of your own. You will sell them. Actually, you will sell them. So teachers यहाँ पे seat को sell कर रहे हैं यार, ये क्या है? You know, this is not all about the departments. BMS college का तुझे बोलूँ क्या? BMS college में they are not directly saying to me, a pun is there, a middleman. They are trying to convert, they are trying to communicate with us with the pun. 2 to 3 pun's are there. If you want the seat, you can go and contact the pun and you can pay 15 lakhs. But don't do MCA. Just pay 15 lakhs and come back. Okay. और कौन कौन से कॉलेज हैं? ओनली टॉप कॉलेज. ये देख लिया मैंने. दयानंद सागर गया था मैं. वो बस कॉलेज. दयानंद सागर मैं बोलता हूँ, मैं करिकुलम देखा उनका. प्लेसमेंट्स का बोर्ड जो रहता है 2018 का पेजेस अभी भी स्टिक है. एंड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है लेकिन MCA का जो ब्लॉक है बहुत पुराना हो गया है. लीकिंग फ्रॉम द रूफ समथिंग लाइक दैट एंड 2,84,000. नॉट वर्थ इट. दिस इज नॉट वर्थ इट. लाइक नॉट वर्थ इट. लाइक मैं बोल रहा हूँ एंड 10% 10 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस फ्रॉम दयानंद सागर. ओनली 10 स्टूडेंट्स. यू नो माई मेनी फ्रेंड्स आर देयर वो कम टू दयानंद सागर. उसने बैचलर्स करा और यहाँ पे आया तो मैंने पूछा सो वाई यू डिड नॉट डू मास्टर्स देयर. उसने बोला बहुत अच्छा वहाँ का मास्टर्स नहीं है, वहाँ का बैचलर क्यों आया. इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बेस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ का, जितना भी रूल रेगुलेशन है बहुत अच्छा है. मुझे और सब कॉलेज अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सारे अपग्रेडेशन मिलेगा. अगर इफ यू जो टेक एडमिशन टू मैनेजमेंट कोटा और एनी कोटा लाइक सब पेसेट और जो PGCET बहुत स्मूथली यहाँ पे एडमिशन होता है यार. यहाँ पे कुछ नहीं है कि डोनेशन दो इतना है, यहाँ पे ऑफिशियली हो जाएगा. हाँ, और इसने कल मेरे को मैसेज करा और
सो मैंने सोचा कि मुझे तो हेल्प तो करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी, लाइक अभी तक हो 7 लोग जो बिहार से आए थे उनकी मैंने होता एडमिशन कराई। और अगर ये सोच रहे हो ना कि तुम अभी आए तो यू आर वेरी लेट, अगर तुम होता जनवरी में आते एडमिशन लेने तब भी उस समय प्रॉब्लम होती नहीं होता था तब भी उस समय भी प्रॉब्लम होती यार। मैं सेमेस्टर आई टी की अपने दोस्त के लिए होता है ढूंढ रहा था जनवरी में, बोल रहे सीट्स आर बुक्स फ्रॉम जनवरी ओनली, और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें सीट खोलना स्टार्ट किया, अंदर से देना स्टार्ट किया। तो ये है यार, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, डार्क साइड ऑफ एमसी इन बैंगलोर। ये आरबी आप लोग सोचते बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे जाओगे तो हो जाएगा, भाई जो कंपनी पेस में आती है वो कंपनी आरबी में भी आती है। और आरबी पेस का जो प्लेसमेंट होता है ना, अभी मैं दिखाऊंगा पेस का प्लेसमेंट है ना आरबी से अच्छा है। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट 144 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड। और मैं अभी मैं इसको जाके नीचे पता डिपार्टमेंट में दिखाऊंगा, अभी सबका फोटो लगा हुआ है यार। तो ये है यहाँ पे रियलिटी, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेस में आने का मतलब ये। हाँ देखो पेस भी परफेक्ट नहीं है हमसे, बट इतना तो है आपको सारी अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है भाई आपको, तो टीचर्स इतने जो फैमिली, यहाँ CGPA बहुत अच्छा है, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप कोडिंग करके अपना होता निकाल सकते हो, अपॉर्चुनिटी आपको गूगल मिल जाएगा, JPMorgan में भी आप होता बैठ सकते हो, सारे कंपनीज में बैठ सकते हो, इतना ज़्यादा होता डिप्रेशन नहीं है यार। तो इसलिए मैं हमेशा पेस को कंसिडर करता हूँ। आप समझ रहे हो कि मैं पेस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो पेस का होता कंसिडर करना चाहिए यार, ये रियलिटी है। अब देखो ये बंदा आया, ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 6 to 7 कॉलेजेस घूम के आ गया हूँ, एंड रियली आई वांट टू से पूरा बिक गया है मार्केट पूरा बिका हुआ है। हाँ सिर्फ अकॉर्डिंग टू यू RBC इज ओनली द टॉप कॉलेज, एंड मेरे हिसाब से ईमानदार वही एक कॉलेज है, क्योंकि वो पूरा उनका करिकुलम और उनका प्लेसमेंट सेल और उनका प्रोसीजर एडमिशन का पूरा ऑनलाइन है और पूरा डिस्प्लेड है। ईच सीट किसको दे दिया गया है, किसको नहीं है, किसको नहीं मिला है, कौन वेट लिस्टेड है, ये पूरा पता चलेगा तुमको। लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस नॉट वर्थ इट है यार। फिर भी ये होता है, आरबी में भी होता है पैसा का खेल है। आरबी में भी पैसा है। देखो जो PS मैं इसलिए बेस्ट करता हूँ कि देखो तुम्हारे तुमको अभी जाके प्लेसमेंट बता दूंगा, मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो मेरे लेवल का नहीं, अगर मैं जाके बता दिया अभी प्लेसमेंट सेल में सबका लगा है, ट्राई टू रिकॉर्ड इट। बट मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं राइट नाउ आई एम द स्टूडेंट ऑफ द पेस यूनिवर्सिटी, ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए लेना पड़ता है, तो मैं ले रहा हूँ डीन से अभी होता है कि परमिशन ले रहा हूँ, अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो मैं पेस का एक एक कोना दिखाऊंगा और एक एक एडमिशन क्राइटेरिया जो आप सोच रहे हो ना 1.5 करोड़ का पैकेज लगा वो सही है यार, और इस साल 95 लाख का पैकेज लगा। आप सोच सकते हैं IITs में भी उतने पैकेजेस नहीं होती हैं, और अपॉर्चुनिटी तो आपको भर भर के मिलेगी। हाँ बेस्ट है सिर्फ यार तुम्हारा हार्डवर्क जरूरत है। हाँ कि हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो मैं इसके आने से पहले मैं बैठकर कोडिंग कर रहा था। हाँ तो उतना तो करना पड़ेगा भाई, जो कोडिंग वगैरह करना पड़ेगा, प्लेसमेंट्स चाहिए तो अगर तुम कुछ नहीं सीखोगे तो तुम्हारे कहा भी नहीं होगा। और देख रहे हो ना ये हाँ। ये तो पेस का भी स्टूडेंट नहीं है, फिर भी इसने आके सारे कॉलेजेस के बारे में बताया, और ये सही में डार्क साइड ऑफ MC है, एडमिशन के लिए लूट लेंगे। और अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, अभी BMS के स्टूडेंट्स मेरे से रेफरेंस मांग रहे हैं, एंड RBI के स्टूडेंट मेरे से रेफरेंस मांग रहे हैं, MS RIT के दो दोस्त हैं जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो ये है रियलिटी है। BMS का और एक है, अगर आप अभी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैनेजमेंट कोटा के अंदर अगर सीट्स ढूंढोगे तो ना लास्ट ईयर के अपडेटेड है, इस साल देवुड से वी हैव नॉट ओपन इट, व्हेन यू कम हियर एंड ट्राई टू गेट थ्रू ऑफलाइन ना देवुड से ऑल द सीट्स आर क्लोज्ड, सो दैट्स द बैड रियलिटी, दे डोंट इवन क्या बोलते हैं उसे, डोंट इवन अपडेट दी इंफॉर्मेशन ऑन दी अरे वेबसाइट के ऊपर, अगर आपका इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं होगा तो लोग कैसे समझेंगे कि आपके पास सीट्स अवेलेबल है कि नहीं है। ओके गाइस, ऐसे ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हुआ आई थिंक इसके लिए, थैंक यू सो मच कि आपने आके ये सब बताया, लाइक ऐसा कोई नहीं बताना चाहता है, बट ये रियलिटी है हमसे का, आप देख लेना आगे आपको क्या करना है। तो ठीक है, अब चलते हैं नीचे थोड़ा देखते हैं। ओके बाय बाय।